दोस्तों, ड्रग्स केस में बुरी तरह से फंसे आर्यन खान किसी तरह जमानत मिलने के बाद घर तो पहुंच गए, लेकिन एक महीने तक आर्यन खान की, आर्यन के परिवार की, आर्यन के बेहद करीबी दोस्तों की सांसें अटकी रहीं। हालात ये रहे कि एनसीबी कब किसे पूछताछ के लिए बुला ले, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। एनसीबी के रडार पर सबसे पहले आई थी अनन्या पांडे। अनन्या से लगातार दो दिन पूछताछ भी हुई थी। तीसरे दिन एक बार फिर से बुलाया गया, मगर अनन्या बहाना मार गई। अब उसके बाद कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि आर्यन को बेल मिल गई, तो अनन्या वाला मामला भी होल्ड पर चला गया। मगर अब दिवाली के दिन, जी हाँ, दिवाली के दिन अनन्या पांडे पर एनसीबी की सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई। एनसीबी का एक्शन हुआ अनन्या पांडे पर, और हालात ये हैं कि अनन्या पांडे नजरबंद हो गई हैं। जी हाँ, दिवाली के दिन अनन्या के पेडलर के चार्जेस तय हो गए हैं, गिरफ्तारी की तारीख भी आ गई है। तो पूरा मामला क्या है, क्या है पूरा अपडेट, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट कर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। तो आर्यन खान ड्रग्स केस में आर्यन के बाद कोई फंसा है तो वो अनन्या पांडे ही हैं। हालांकि शुरुआत में लग रहा था कि अनन्या हल्की फुल्की मददगार होंगी, मगर जब एनसीबी के सामने पूरी चैट्स आई तो दावा किया गया अनन्या पांडे तो आर्यन को ड्रग्स उपलब्ध करवा रही थी। जी हाँ, आर्यन और अनन्या के चैट्स में साफ साफ दिख रहा था कि आर्यन डिमांड कर रहा था और अनन्या उस डिमांड को फुलफिल कर रही थी। और यही नहीं, इसके लिए सेलिब्रिटी नौकर का भी इस्तेमाल किया गया। अब अनन्या के साथ साथ वो नौकर भी एनसीबी के रडार पर था। बड़ी स्ट्राइक पहले ही होने वाली थी, लेकिन तब खुद समीर वानखेड़े पर कई तरह के आरोप लगा दिए गए, जिसके बाद समीर दिल्ली चले गए और मामला वहीं पर अटक गया। लेकिन समीर वानखेड़े दिल्ली से लौट आए हैं, और हालत ये है कि समीर वानखेड़े और भी ज्यादा ताकतवर होकर मुंबई लौटे हैं और तीखे अंदाज में केस को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। अनन्या के साथ साथ नौकर पर भी शिकंजा कस लिया गया है। दिवाली के दिन सबसे बड़ी स्ट्राइक अनन्या पांडे पर ही हुई है। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अनन्या पांडे से जो पूछताछ रह गई थी, उसके लिए फिर से अनन्या को एनसीबी ने बुला लिया है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि अनन्या पांडे को फिर से एनसीबी ने तलब किया है, और इस बार सिर्फ पूछताछ नहीं होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस बार सिर्फ पूछताछ नहीं, बल्कि पूछताछ खत्म होते ही अनन्या पांडे की अरेस्टिंग भी हो सकती है। और ये बड़ी, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दिल्ली से ताकतवर होकर लौटे समीर वानखेड़े और ज्यादा सख्त तरीके से पेश आने वाले हैं। अगली पूछताछ में अनन्या पांडे की अरेस्टिंग तय है, उसके लिए दिन, समय, जगह सब कुछ तय किया गया है। एनसीबी सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिवाली के दिन ही ये नोटिस निकला है और अनन्या पांडे को सोमवार 8 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। जी हाँ, 8 नवंबर की वो तारीख है जब एक बार फिर से अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस बार एनसीबी ऑफिस में ये पूछताछ होगी, और साथ ही साथ एनसीबी ऑफिस में पूछताछ के लिए स्पेशल महिला अधिकारी को भी लाया गया है। एनसीबी ऑफिस में मौजूद महिला लॉकअप को भी साफ करवा लिया गया है, जिसके बाद तय माना जा रहा है कि अनन्या की अरेस्टिंग भी उसी दिन होगी, और उस रात अनन्या पांडे की गिरफ्तारी की रात उसी लॉकअप में ही रखा जाएगा, क्योंकि अनन्या पांडे पर आर्यन खान से भी बड़े आरोप हैं। आर्यन पर सिर्फ ड्रग्स खरीदने और दोस्तों के साथ शेयर करने का आरोप है, लेकिन यहाँ पर अनन्या पांडे पर ड्रग की पेडलिंग के आरोप है, क्योंकि अनन्या एक पेडलर की तरह ही आर्यन के लिए ड्रग्स का बंदोबस्त कर रही थी, किसी से खरीद रही थी, किसी को पहुंचा रही थी। ऐसा खुलासा चैट में होने का दावा किया गया। अब जैसे ही ये खबर चंकी पांडे के घर पहुंची तो वहां भी कोहराम मच गया, क्योंकि अनन्या पांडे की हालत तो पहली दो पूछताछ में ही क्या हुई थी वो हमने आपको बताया था। अनन्या पांडे का बीपी लो गया था, वो रोने भी लगी थी, और यहाँ तक कि फिल्मी अंदाज में ड्रामे भी करने लगी थी। सब कुछ हमने आपको बताया था, और अब खबर है कि अनन्या पांडे की हालत घर के अंदर भी खराब हो गई है। अनन्या ने खुद को घर के अंदर एक कमरे में कैद कर लिया है, और अनन्या की हालत नजरबंदी जैसी है। घर से बाहर निकलना है नहीं, माता पिता ने घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। अनन्या पांडे घर के अंदर ही कैद हैं, सिर्फ अपने घर वालों से ही बात कर रही हैं, और बार बार रोते रोते यही कह रही हैं कि मुझे जेल नहीं जाना, वो जेल नहीं जाना चाहती। बार बार खुद को बचा लेने के लिए अपने पिता से, चंकी पांडे से जिद कर रही हैं। अब हालांकि इतना तो तय है कि अनन्या पांडे को पूछताछ के बाद 8 नवंबर को ही अरेस्ट कर लिया जाएगा, और इस बार एनसीबी पुख्ता सबूतों के साथ पुख्ता तैयारी में है, और फिर अनन्या का जेल जाना भी तय है, और कम से कम एक महीने तक अनन्या पांडे को भी जमानत मिलना
लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आर्यन केस की यहाँ दलील जरूर दी जाएगी और निचली कोर्ट से अनन्या पांडे को कोई राहत नहीं मिलने वाली। हालांकि हाई कोर्ट से जमानत मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि अनन्या पांडे पर आर्यन से भी बड़े आरोप हैं, पेडलिंग के आरोप हैं। तो हो सकता है कि हाई कोर्ट भी जमानत खारिज कर दे, जिसके बाद महीनों महीनों तक अनन्या पांडे को मुंबई की भाईखला जेल में रहना पड़ सकता है, जिस तरह से फिल्म अभिनेता अरमान कोहली लंबे समय से जेल में बंद हैं, वैसे ही अनन्या पांडे भी लंबे समय तक मुंबई की जेल में बंद हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर एनसीबी की तैयारी पूरी है, एनसीबी के पास पुख्ता सबूत है। तीसरी बार पूछताछ के लिए अनन्या पांडे को बुलाया जा रहा है, दिन समय तारीख सब कुछ तय कर लिया गया है। और बड़ी बात यह है कि अनन्या पांडे की गिरफ्तारी की भी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब कुल मिलाकर दिवाली पर अनन्या पांडे की जिंदगी का दिवाला निकल गया, और वैसे भी ऐसे स्टार किड्स को जिंदगी में कम से कम एक बार जेल की हवा जरूर खानी चाहिए, ताकि इनको सबक मिल सके, जिंदगी का सबक भी और कानून का सबक भी। अब आपका क्या मानना है दोस्तों, अनन्या पांडे को क्या आर्यन की ही तरह राहत मिल पाएगी, या फिर अनन्या पांडे और भी ज्यादा लंबा नप सकती है? कमेंट करके आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। अब एक और, जब पूरा बॉलीवुड शाहरुख के तलवे चाटता दिख रहा है, ऐसे में सिर्फ राजू श्रीवास्तवी वो शख्स है जिन्होंने आर्यन के मामले में शाहरुख को खूब खरी खोटी सुनाई है। दरअसल राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया वालों ने राजू श्रीवास्तव से शाहरुख के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर सवाल किया। तो इस पर पहले तो राजू श्रीवास्तव ने आर्यन के मामले में हुई मीडिया रिपोर्टिंग पर भी सवाल उठाए। राजू ने कहा, देश के चार बड़े न्यूज चैनल्स आर्यन को इस तरह प्रदर्शित करते दिख रहे थे जैसे कि आर्यन जेल से नहीं निकला, बल्कि वो कोई बड़ा और अच्छा काम करके निकला है। राजू ने कहा, आर्यन ने अपराध किया था, उसकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद उसे जमानत मिली, उसे जबरन हीरो बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। राजू ने आगे कहा, मीडिया वाले तो ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि शाहरुख का बेटा जेल से नहीं बल्कि ओलंपिक से मेडल लेकर लौटा है। अब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों ने समीर वानखेड़े को लेकर भी सवाल किया, तो राजू ने कहा, हाँ ये सच है कि समीर वानखेड़े के नाम से बॉलीवुड वाले कांपते हैं, और इसी वजह से वानखेड़े के पीछे ये सब हाथ धोकर पड़ गए हैं, क्योंकि बॉलीवुड ऐसा कीचड़ है जिसमें सबके हाथ सने हैं, इसीलिए सब डर रहे हैं, सबको अपना अपना डर है, सबको लगने लगा है कि जब शाहरुख का बेटा गिरफ्तार हो गया तो कोई भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब इसके बाद राजू ने आगे कहा, बच्चों को अच्छे संस्कार देना बहुत जरूरी है, भले ही वो शाहरुख का बेटा हो या फिर किसी भी आम इंसान का, बच्चा अगर कुछ गलत करता है तो कहीं ना कहीं उसकी परवरिश का असर होता है। राजू ने कहा, आर्यन क्या दो चार दिन में नशेड़ी बन गया होगा, सालों से वो नशा कर रहा होगा, मगर उसको किसी ने कभी रोका टोका ही नहीं। राजू ने तो ये भी कहा कि शाहरुख खान को तो समीर वानखेड़े का एहसान मंद होना चाहिए, क्योंकि भले ही आर्यन 28 दिन जेल में रहा, मगर उसे जो सबक इस दौरान मिला होगा वो शाहरुख शायद पूरी जिंदगी में कभी नहीं दे पाते, इसीलिए बेटा अगर अब भी बुरी आदतों को छोड़ देता है तो शाहरुख को समीर वानखेड़े और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ड्रग्स की आदत कितनी खतरनाक और खराब होती है। राजू ने एनसीबी की कार्रवाई को यहाँ पर 100 में से 100 नंबर दिए दोस्तों, और कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि एनसीबी आगे भी ऐसी कार्रवाई करती रहेगी, देश से और समाज से ड्रग्स का ये गंदा जाल मिटा कर रहेगी। अब देखिए ना, शाहरुख के मामले में किसी भी बॉलीवुड के शख्स ने शाहरुख के खिलाफ या आर्यन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा, मगर राजू श्रीवास्तव ने शाहरुख को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको याद ही होगा दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत और शेखर सुमन बड़े मुखर होकर सामने आए थे, मगर आर्यन के खिलाफ उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, बल्कि शेखर सुमन तो आर्यन को सपोर्ट करते दिखे, क्योंकि बॉलीवुड में रहकर कोई भी शाहरुख से पंगा नहीं लेना चाहता। मगर वाकई में राजू श्रीवास्तव की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जो उन्होंने सरेआम शाहरुख को आईना दिखा दिया। तो क्या वाकई में शाहरुख को समीर वानखेड़े का एहसान मंद होना चाहिए? राजू श्रीवास्तव के इस बयान पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।